गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आप सब भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जैसे कि आपको वहाँ कैसे पहुँचना है, वहाँ स्टे कहाँ करना है, खाने पीने की क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। साथ ही साथ ये जानेंगे कि आप भगवान सोमनाथ के दर्शन कैसे कर सकते हैं और वहाँ और भी कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ आप विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जानेंगे कि सोमनाथ के लिए आपको कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए, कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा विजिट करने के लिए। और इस सब के साथ अंत में वीडियो के ये भी बताऊंगी कि सोमनाथ की यात्रा करने में आपका कुल खर्चा कितना आने वाला है। तो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं आप सबके लिए यात्रा संबंधी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ। और दोस्तों, अगर आपको ट्रैवल रिलेटेड रील्स या शॉर्ट वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब जल्दी से बिना देर किए हुए ये जान लेते हैं कि आपको सोमनाथ तक पहुंचना कैसे है। तो गाइज, आप सोमनाथ तक पहुँचने के लिए फ़्लाइट, ट्रेन या बस में से किसी भी विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सोमनाथ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो किसोद एयरपोर्ट है, जो कि सोमनाथ मंदिर से करीब 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। लेकिन गाइज, अगर आपको किसोद एयरपोर्ट तक के लिए फ़्लाइट्स नहीं मिलती हैं, उस केस में आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में आप दीव एयरपोर्ट आ सकते हैं, जो कि सोमनाथ मंदिर से करीब 85 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और आप चाहे किसोद एयरपोर्ट पर उतरें या चाहे दीव एयरपोर्ट पर उतरें, दोनों ही एयरपोर्ट्स के बाहर से आपको टैक्सीज या बसेज ईजिली मिल जाएंगी, जो कि आपको सोमनाथ मंदिर तक पहुंचा देंगी। एंड गाइस, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सोमनाथ रेलवे स्टेशन है, जो कि मंदिर परिसर से करीब 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको ऑटो रिक्शा ईजिली मिल जाएंगे, जो कि आपसे 20 रुपये तक चार्ज करेंगे और आपको सोमनाथ मंदिर पहुँचा देंगे। और दोस्तों, अगर आपको आपके शहर से सोमनाथ रेलवे स्टेशन तक के लिए ट्रेन नहीं मिलती है, उस केस में आपको वेरावल रेलवे स्टेशन आना होगा। और वेरावल से सोमनाथ मंदिर तक की दूरी करीब 7 किलोमीटर की है। और रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे, जो कि आपसे करीब 50 रुपये तक चार्ज करेंगे और आपको सोमनाथ मंदिर पहुँचा देंगे। और इसके अलावा यहाँ हर आधे घंटे पर सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से फ्री बस सर्विस भी चलती है, तो आप उससे भी सोमनाथ मंदिर तक पहुँच सकते हैं। एंड गाइज, अगर आप बस से आ रहे हैं तो आपको अहमदाबाद, राजकोट, द्वारका जैसे शहरों से सोमनाथ मंदिर तक के लिए डायरेक्ट बसेज मिल जाएंगी। और अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आना चाहते हैं तो आप वेरावल होते हुए सोमनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब सोमनाथ पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक रूम देखना है। तो यहाँ मंदिर परिसर के पास ही आपको काफ़ी सारे होटल और धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे, जिनमें आप रूम ले सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे 3 तरह के ठहरने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। फर्स्टली, आप धर्मशाला में रूम ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 100 रुपये से स्टार्टिंग करके 300 तक के बीच रूम्स इजीली मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीप एंड इकोनॉमिकल पड़ेंगे। तो अगर आप एक बजट फ्रेंडली ट्रिप चाहते हैं तो आप धर्मशाला में अपना रूम ले सकते हैं। और इसके अलावा जो सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, वो है मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चलाए जा रहे अतिथि गृह, जिनमें आपको ऑनलाइन रूम की बुकिंग करानी होगी अपनी स्क्रीन पर दी गई इस वेबसाइट पर जाकर। और बात करें अगर हम यहाँ रूम के कॉस्ट की, तो आपको 2-बेडेड नॉन एसी रूम 1000 तक में मिल जाएगा, और वहीं 2-बेडेड एसी रूम की आपको कॉस्ट 1300 रुपये तक पड़ जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों, जो तीसरा विकल्प है आपके पास, वो है प्राइवेट होटल्स का, जहां पे आपको 700 से स्टार्टिंग करके 1500 तक के बीच रूम्स आराम से मिल जाएंगे। एंड गाइज, बात करें अगर हम यहाँ खाने की, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स तो देखने को मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ मंदिर से करीब 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको देखने को मिल जाएगा सोमनाथ ट्रस्ट भोजनालय, जिसे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ही चलाया जाता है। और आपको यहाँ 70 रुपये से वेज थाली आराम से मिल जाएगी। और बात करें अगर हम भोजनालय के टाइमिंग की, तो ये 2 स्लॉट में चलता है। पहला स्लॉट सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक रहता है, और दूसरा स्लॉट शाम के 7 बजे से रात के 9:30 बजे तक रहता है। चलिए दोस्तों, अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको सोमनाथ मंदिर में दर्शन कैसे करने हैं। तो गाइज, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मंदिर में किसी भी तरह का लेदर का पर्स, बेल्ट, मोबाइल फ़ोन या कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। तो इसे आप या तो होटल के रूम पे ही छोड़ के आइए, या फिर मंदिर के बाहर ही आपको फ्री लॉकर सर्विस देखने को मिल जाएगी, आप उसमें भी जमा करा सकते हैं। और इसके बाद आपको लाइन में लग के भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचना है, जो कि पूरा सोने से बना हुआ है। और यहाँ पर आपको दर्शन करने हैं भगवान सोमनाथ के। एंड गाइज, अगर आप भगवान सोमनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा सजेशन मेरा ये रहेगा कि आपको कोशिश करके यहाँ की आरती में ज़रूर सम्मिलित होना है, क्योंकि यहाँ की आरती बहुत ही सुंदर और भव्य होती है। तो
आपको उसे डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। और बात करें अगर हम आरती के टाइमिंग की, तो यहाँ 3 टाइम आरती होती है, सुबह के 7 बजे, दोपहर के 12 बजे और उसके बाद शाम को फिर 7 बजे। तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इनमें से किसी भी टाइम आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, भगवान सोमनाथ के दर्शन करने के बाद आपको मंदिर के बाहर आ जाना है। और इसके बाद यहाँ पे सोमनाथ में और भी काफ़ी सारी प्लेसेस हैं जहाँ आप विजिट कर सकते हैं, तो अब उनके बारे में जान लेते हैं। तो गाइज, सबसे पहले आप विजिट कर सकते हैं मंदिर परिसर के ठीक पीछे बना हुआ भगवान सोमनाथ का पुराना ज्योतिर्लिंग मंदिर, जिसे अहिल्याबाई द्वारा स्थापित किया गया था। तो आप वहाँ भी जाकर दर्शन पूजन कर सकते हैं। एंड गाइज, मुख्य सोमनाथ मंदिर में तो आपको गर्भगृह के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलती है, आपको बाहर से ही रह के दर्शन पूजन करने होते हैं। लेकिन इस मंदिर में आप गर्भगृह के अंदर प्रवेश करके और वहाँ पे अपना दर्शन पूजन कर सकते हैं। एंड इसके बाद गाइज, आपको यहीं से ऑटो बुक करनी है, जिससे आप बाकी की प्लेसेस यहाँ की कवर कर सकें। और ऑटो वाला इसके लिए आपसे 400 से 500 रुपये लेगा और आपकी सारी प्लेसेस कवर करा के आपको होटल वापस ड्रॉप कर देगा। एंड गाइज, बाकी की प्लेसेस में सबसे पहले आप विजिट कर सकते हैं त्रिवेणी संगम, जो कि सोमनाथ मंदिर से करीब 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और यहाँ पे हिरण्या, कपिला और सरस्वती नदी का संगम है, तो आप यहाँ पे जाके स्नान भी कर सकते हैं। एंड गाइज, इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं सूर्य मंदिर, जो कि त्रिवेणी संगम से करीब 100-200 मीटर की दूरी पर ही है। और मंदिर में आपको सूर्य देव और छाया देवी मुख्य विग्रह के रूप में देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा मंदिर के चारों ओर दीवारों पर और भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। एंड गाइज, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये मंदिर गुजरात का सबसे पुराना सूर्य मंदिर है। और ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ रहकर सूर्य देव की उपासना की थी। और दोस्तों, यहाँ पे आपको एक सूर्य कुंड भी देखने को मिल जाएगा। और बात करें अगर हम मंदिर के टाइमिंग की, तो सुबह 6 बजे से रात के 9:30 बजे तक ये मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है। एंड गाइज, सूर्य मंदिर के ठीक पीछे आप विजिट कर सकते हैं हिंगलाज माता की गुफा, जिसे 5 पांडव गुफा के नाम से भी जाना जाता है। और इस गुफा की खोज बाबा नारायण दास ने सन 1949 में की थी। और ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहां रहकर माता हिंगलाज की पूजा अर्चना की थी। एंड गाइज, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस गुफा का जो प्रवेश द्वार है वो काफ़ी पतला और सकरा है, तो बच्चे तो इसमें आसानी से चले जाएंगे, लेकिन बड़ों को थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, तो आपको बहुत ही सावधानी के साथ इसमें जाना होगा। और बात करें अगर हम इस मंदिर के टाइमिंग की, तो सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ये मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है। एंड इसके बाद गाइस, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप विजिट कर सकते हैं गोलोक धाम तीर्थ, जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं श्री कृष्ण जी की चरण पादुका के। और इसके अलावा भी यहाँ और भी काफ़ी सारे मंदिर हैं, जैसे कि गीता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बलदेव जी की गुफा, आप उनमें भी जाकर दर्शन पूजन कर सकते हैं। एंड गाइज, इस जगह के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये वही जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया था। एक प्रचलित कथा के अनुसार, एक शिकारी के तीर से घायल होने के बाद भगवान श्री कृष्ण भालका तीर्थ से कुछ किलोमीटर दूर चलकर इस स्थान पर आए। और यहाँ पे उन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद अपनी देह का त्याग करके निज धाम को चले गए थे। और इसी कारण से इस जगह को श्री कृष्ण निज धाम प्रस्थान तीर्थ या फिर देहोत्सर्ग तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, यहाँ के मंदिर की टाइमिंग की बात करें, तो सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ये मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है। एंड इसके बाद गाइज, आप यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर विजिट कर सकते हैं शारदा मठ, जिसे जगतगुरु शंकराचार्य मठ के नाम से भी जाना जाता है। और ये मंदिर करीब 200 साल पुराना बताया जाता है। और आपको यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य का मंदिर तो देखने को मिल ही जाएगा, साथ ही साथ यहाँ और भी काफ़ी सारे मंदिर हैं, जैसे कि कामनाथ महादेव का मंदिर, नरसिंह देव का मंदिर। और इसके अलावा यहाँ मंदिर में आपको एक कुंड भी देखने को मिल जाएगा, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे भी जाकर स्नान, दर्शन, पूजन वगैरह कर सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ से करीब 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विजिट कर सकते हैं भालका तीर्थ। और दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ जरा नाम के एक शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरण समझ के उनके ऊपर तीर चला दिया था। और इसी के कारण यहाँ के मंदिर में जो आपको श्री कृष्ण की मूर्ति देखने को मिलेगी, वो लेटी हुई अवस्था में देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप श्री कृष्ण के किसी अन्य मंदिर में जाते हैं, तो नॉर्मली आपको जो मूर्ति देखने को मिलती है श्री कृष्ण की, वो खड़ी हुई अवस्था में देखने को मिलती है। एंड गाइज, बात करें अगर हम इस मंदिर के टाइमिंग की, तो सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक ये मंदिर पर्यटकों के लिए खुला रहता है। एंड गाइज, इसके बाद आप भालका तीर्थ से करीब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विजिट कर सकते हैं बाणगंगा। यहाँ पे आप समुद्र की लहरों के बीच भगवान शिव के प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ ऐसे 5 शिवलिंग हैं जो कि समुद्र की लहरों के बीच बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली समुद्र की लहरें इतनी ज़्यादा होती हैं कि आपको सिर्फ 2 या 3 ही शिवलिंग के दर्शन मिल पाते हैं, इसलिए आप वहाँ पे भी जाकर दर्शन पूजन कर सकते हैं। लेकिन आपको समुद्र की लहरों से बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे लहरें बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं।
एंड गाइस, अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको सोमनाथ के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा सोमनाथ विजिट करने के लिए। तो गाइस, 1 से 2 दिन आपकी सोमनाथ की ट्रिप के लिए पर्याप्त रहेंगे और यहाँ विजिट करने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च के बीच का माना जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है जिसकी वजह से आपको यहाँ घूमने फिरने में परेशानी हो सकती है। इसलिए इस समय पर्यटक यहाँ कम आना पसंद करते हैं, मोस्टली पर्यटक यहाँ पे सर्दियों के टाइम पे आना पसंद करते हैं। और अगर आप यहाँ पे सावन के महीने में आते हैं तो भी आपको यहाँ सोमनाथ मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भक्तों की भीड़ देखने को मिलेगी। तो अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो भी आप अपनी ट्रिप सर्दियों के टाइम पर प्लान कर सकते हैं। एंड गाइस, बात करें अगर हम बजट की तो सोमनाथ विजिट करने में आपको ऑन एन एवरेज 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति तक का खर्चा आ जाएगा। और इस बजट में मैंने आपके किसी भी तरह के फ्लाइट, ट्रेन या बस के टिकट का किराया इंक्लूड नहीं किया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। इस बजट में मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने और लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वहाँ भी अपनी क्वेरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको। और मैं मिलूँगी जल्दी आप सबसे अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।